हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद आज की भगवद गीता चर्चा पे आने के लिए। हर रोज हम भगवद गीता से एक श्लोक का पे चर्चा कर रहे हैं, 10 मिनट। तो आज भी हम पहले अध्याय में पहले श्लोक के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। गुरु प्रणाम से चालू करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम भगवत गीता के ऊपर थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया है 2 दिन। कल पहली श्लोक के बारे में थोड़ा चर्चा किया है, आज हम कंटिन्यू करेंगे। भगवत गीता में 18 चैप्टर्स हैं, 18 अध्याय हैं। इसमें हम पहली अध्याय में पहले श्लोक पे जाएंगे। पहली अध्याय का टाइटल है ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। बहुत बड़ा टाइटल। अभी ये हिंदी में भी है, मिनट इधर है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के इस चैप्टर में 2 भाग हैं। पहली भाग है नाम के ऊपर जो भी है वो ऑब्जर्विंग द आर्मीज, सैन्य निरीक्षण के बारे में है। और दूसरी भाग में जब अर्जुन ने सैन्य को देखा, शत्रु सैन्य को जब जब उसने देखा, उसके बाद उसको युद्ध करने का इच्छा नहीं है, उसको युद्ध छोड़ने का सोच आ गया है। क्यों? वही रीजंस के बारे में दूसरी सेक्शन है। मतलब अर्जुन को क्या क्या लगा, क्यों उसने युद्ध छोड़ने का सोच लेकर पड़ा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी हम पहली भाग में पहले श्लोक पे जाएंगे। यह है पहले श्लोक और हिंदी में इधर धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। तो यहाँ पे है मीनिंग ट्रांसलेशन। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? यह है हमारे राजा दुर्योधन धृतराष्ट्र का प्रश्न। इससे भगवत गीता आरंभ हो गया है, इस प्रश्न से आरंभ हुआ है। तो अभी इस प्रश्न में इतना इम्पोर्टेंट क्या है कि इससे भगवत गीता चालू हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस श्लोक के बारे में ऑलरेडी हमने थोड़ा चर्चा किया है कि ये प्रश्न के अंदर ही जवाब है, समाधान है। कैसे? इसमें धृतराष्ट्र ने बोल रहा कि युद्ध की इच्छा से उन लोगों ने उस क्षेत्र गए हैं, पहुंचे हैं। तो युद्ध की इच्छा पे गए, उसके बाद मिले, उसके बाद क्या करेंगे? तो युद्ध ही करेंगे ना, उसमें पूछने वाली बात क्या है? धृतराष्ट्र ने इसीलिए पूछे क्योंकि उसको
बहुत बहुत टेंशन हो रहा है अंदर, उसका मन विचलित है। उसको एक तरफ से ऐसे लग रहा है कि मेरे पुत्र, मेरे प्रिय पुत्र कौरव, कौरव और दुर्योधन को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ये युद्ध में पांडवों को मार दिया और वो राज्य मिल गया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट युद्ध नहीं होना है। एक तरफ युद्ध होगा तो अच्छा है, और युद्ध में कौरव जीत जाना चाहिए। अगर ये युद्ध नहीं हुआ तो भी अच्छा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि पांडवों ने कौरवों को मारने के लिए पूरी तरफ से रेडी है। तो इसीलिए एक तरफ उसको लग रहा है कि कौरवों ने पांडवों को मार सकते हैं, दूसरी तरफ उसको लग रहा है कि अगर ये पांडवों ने पावरफुल है तो युद्ध रोक देना चाहिए, क्योंकि मेरे कौरवों तो मरना नहीं, उसको जिंदा रहना है, अच्छे से जीना है, अच्छे से राज्य मिलना है, ऐसा है धृतराष्ट्र का सोच। तो इतने पूरे माइंड में घूम रहा है ये सब, इसलिए उसको बहुत टेंशन हो रहा है। अरे क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है, कौन जीतने वाला है, परिस्थिति क्या है वो। संजय मुझे बताओ उधर क्या चल रहा है। संजय तो धृतराष्ट्र के सामने ही बैठे हैं राज्य में हस्तिनापुर में, उसने तो कुरुक्षेत्र नहीं आया है, फिर भी संजय को एक सिद्धि है, एक योग शक्ति है, उससे पूरा टेलीकास्ट वो राज्य में ही बैठ के देख रहे हैं, सब कुछ देख के वो न्यूज अपडेट दे रहे धृतराष्ट्र को। तो अभी संजय ने क्या देखा और युद्ध में क्या हुआ वो सब हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये प्रश्न और थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इस प्रश्न में धृतराष्ट्र ने ऐसा पूछ रहा है कि माम का पांडवाश्चैव, मेरे पुत्र तथा पांडवों का पुत्र, पांडु का पुत्र, पांडु का पुत्र, पांडु का पुत्र पांडवों, अभी धृतराष्ट्र का पुत्र कौरवों। तो ये ऐसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन है ये, बहुत बड़ा गलती है ये। क्यों? क्योंकि इसमें हमें समझ में आ रहा है कि धृतराष्ट्र को अपने बेटों के बारे में, अपने पुत्रों के बारे में बहुत अटैचमेंट है, उसको दूसरी पांडु का पुत्र, उसका भाई का पुत्र है, पांडुराज और धृतराष्ट्र ब्रदर्स हैं, तो उसके ब्रदर का पुत्र उसको अपने पुत्र जैसे नहीं मान रहा है, उसको अपने पुत्र के बारे में ही जानना है, इसलिए वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और इतना अटैच हो गया धृतराष्ट्र ने कि धृतराष्ट्र को अपने जीवन, पूरा जीवन में जो भी दुर्योधन ने किया पूरा अधर्म ही किया, उसने कुछ भी अच्छा नहीं है, बाई मिस्टेक भी दुर्योधन ने थोड़ा भी अच्छा नहीं किया, पूरा अधर्म का काम ही करता रहा। तो उस अधर्मी व्यक्ति दुर्योधन से धृतराष्ट्र को बहुत बहुत प्रिय है, बहुत उसका बहुत बहुत प्यार है, अटैचमेंट है, मैड लव है। इतना अटैचमेंट हो गया कि उसने जो भी, दुर्योधन ने जो भी अधर्मिक काम किया उसको धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं बोला। धृतराष्ट्र तो बहुत पावरफुल व्यक्ति है। युद्ध के पहले एक बार श्री कृष्ण ने पांडवों से लेके कौरवों तक एक मैसेज, ऐसे पीस मैसेंजर जैसे, उसने युद्ध को रोकने के लिए एक प्रयास करने के लिए कौरवों के ओर गया और उससे पूछा, सबको पूछा इस सभा में कि हे राजा, हे भीष्म, हे द्रोणा, सब लोगों को पूछा, कौरवों को पूछा, दुर्योधन को पूछा, सबको पूछा कि ये युद्ध का जरूरत क्यों है, थोड़ा राज्य उसको दे दो हो जाएगा, युद्ध करने का जरूरत नहीं है, युद्ध युद्ध होने के बाद बहुत लोग मर जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाए, इसका जरूरत नहीं।
उसने ऐसे धृतराष्ट्र को भी पूछा, श्री कृष्ण ने पूछा कि हे राजा, तुम तो इस राज्य में बहुत पावरफुल व्यक्ति हो, राज्य राज्य का राजा है तुम, तो तुम सोचेंगे तो ये युद्ध रोक सकते हो, क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों साइलेंट रहे हो? ऐसे श्री कृष्ण ने पूछा। तब धृतराष्ट्र ने बोला कि ओ यादवा, आपको तो सब पता है, मेरे सिचुएशन पता है और ये दुर्योधन के बारे में पता है, तो आप मुझे पूछ रहे हो, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं अभी मुझे अभी शक्ति नहीं है, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ, युद्ध नहीं रोक सकता हूँ, यह है मेरा सिचुएशन। तो ये सुन के सभा में सब लोग शॉक हो गए, क्यों? क्योंकि इस राज्य में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति केवल एक ही है, धृतराष्ट्र, जो भी उसने बोलेगा वो होगा राज्य में, जिसको भी मारना है वो मार सकते हैं, जो भी करना है वो कर सकते हैं, लेकिन इतना पावरफुल व्यक्ति भी अटैचमेंट की वजह से ने बेटे के ऊपर ब्लाइंड प्यार की वजह से उसने पावरफुल व्यक्ति भी पावरलेस हो गया है। अटैचमेंट मेक्स पावरफुल पावरलेस, इतना वीक हो गया कि उसका कुछ शक्ति नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता अभी, तो इतना हो गया कि वो अपने बेटे के लिए पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड को नाश करने के लिए भी तैयार है। इसका मतलब यही है ना, अभी युद्ध होगा तो सब लोग मर जाएगा, कुछ भी हो जाओ, मेरे बेटा राजा बनना है, अच्छे से जीना है, बस वो ही है उसके मन में और कुछ नहीं। जैसे हम रामायण में देख सकते हैं कि कैकेयी अपने बेटा भरत को ही राजा बनना है, उतना वो सोच आने के बाद उसको कुछ नहीं दिखाई दिया, उसको सब कुछ उसके अगेंस्ट में दिखाई दिया, कितने एक्सटेंट तक भी वो जाने के लिए सोचा नहीं। ऐसे इधर धृतराष्ट्र भी ऐसा ही है, इतना कुछ कर सकते हैं अटैचमेंट अपने जीवन में, पावरफुल व्यक्ति को भी पावरलेस बन जाता है, बहुत डेंजरस है ये अटैचमेंट। तो इस श्लोक में हम ये जान सकते हैं कि धृतराष्ट्र का ये अटैचमेंट बहुत बहुत बड़ा है और उसकी वजह से ही इधर युद्ध चालू होने वाला है और इस कुरुक्षेत्र में सब लोग आके खड़े हो गया है युद्ध के लिए, और ये भगवत गीता भी इसकी वजह से ही चालू हुआ है। ये सब भगवान का लीला है, श्री कृष्ण भगवान का लीला है, ये सब चल रहा है। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? इसमें धृतराष्ट्र का अटैचमेंट जो है वो हमको ध्यान से देखना है। स्टार्टिंग में पांडवों ने युद्ध के लिए सिद्ध हो गया, रेडी हो गया, इसमें से एक अर्जुन भी युद्ध के लिए तैयार हो गया है, वो श्री कृष्ण भगवान को जो पार्थ सारथी है, वो रथ की सारथी है, उसको रथ को लेके थोड़ा सैन्यों के बीच में रखने के लिए पूछता है, क्यों? क्योंकि उसको अर्जुन को देखना है कि कौन कौन आया है इस दुर्योधन को प्लीज करने के लिए, कौन कौन आया है दुर्योधन को सपोर्ट करने के लिए। तो पांडु पुत्र अर्जुन सबको देख के बहुत कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है कि युद्ध छोड़ देना ही अच्छा है, क्योंकि वो भी अटैच हो जाता है, ये सब ड्रामा है। अर्जुन तो श्री कृष्ण का भक्त है, लेकिन ये भगवत गीता हमको देने के लिए, गीतोपदेश देने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन का उपयोग कर रहे। तो भगवत गीता के स्टार्टिंग में अर्जुन बहुत अटैच्ड है, क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि वो मेरा रिलेटिव्स है, वो मेरा कजिन्स है, वो मेरा गुरु है, वो मेरा भीष्म पितामह है, मेरा इंस्पिरेशन है, मेरा हीरो है, ये सब लोग मेरा है। जैसे इधर हमने पहले डिस्कस किया, धृतराष्ट्र ने सोचा ये मेरा पुत्र है दुर्योधन, उसको कुछ नहीं होना है, सबको जो भी होना है हो जाओ, मेरा पुत्र
दुर्योधन को कुछ नहीं होना, ऐसे है अर्जुन को भी ऐसा लग गया कि वो सब मेरा है, उसको मैं मारूंगा नहीं। तो उसके बाद फर्स्ट चैप्टर के बाद कुछ चर्चा हुआ अर्जुन और कृष्ण के बीच में, भगवद गीता चला, भगवद गीता उपदेश होने के बाद आखिरी में अर्जुन ने फिर से खड़े हो गया और अर्जुन ने युद्ध करने के लिए सिद्ध हो गया, रेडी हो गया। क्यों, बीच में क्या हो गया? बीच में बहुत मैजिक हुआ, वो मैजिक हम धीरे धीरे चर्चा करने वाला है। भगवत गीता में वैराग्य दिलाता है, जैसे इधर धृतराष्ट्र ने अटैच हो गया, जैसे अपने अर्जुन का अटैचमेंट हम देख सकते हैं, वो अटैचमेंट डिटैचमेंट कैसे बन गए, वो वैराग्य अर्जुन को कैसे आया है, वो सब हम भगवत गीता से समझ सकते हैं। और हम धृतराष्ट्र जैसे नहीं, लेकिन पांडवों जैसे बनना क्योंकि जीवन में अटैच्ड होने से हम पावरफुल होंगे, फिर भी हम पावरलेस बन जाएंगे। देखो पूरा वर्ल्ड का पावर है इसके साथ में, फिर भी ये कुछ नहीं करने दिया, मतलब ही कुडन डू एनीथिंग, क्योंकि वो बहुत बहुत अटैच्ड है, इमोशनली उसने डिपेंड हो गया अपने बेटे के ऊपर। इसके बारे में हम और थोड़ा चर्चा करेंगे और एनालिसिस करेंगे कि हमारे जीवन में ये अटैचमेंट क्या कर सकते हैं। जैसे धृतराष्ट्र ने इतने लेवल तक गया कि सबको मार दे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसे उसने सोचा वैसे हम भी सोच सकते हैं। हमारे जीवन में भी बहुत परिस्थिति आएंगे जब हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें भी कुछ चीजें हैं, कुछ बहुत अटैचमेंट है, उसकी वजह से हम भी बहुत अधर्मिक काम करने के लिए सोचेंगे नहीं, बहुत पाप काम भी हम करने के लिए सोचेंगे नहीं। तो उसके बारे में हम और थोड़ा चर्चा करना है। तो आज इधर हम स्टॉप करेंगे, कल हम कंटिन्यू करेंगे इधर से। हरे कृष्ण।